वन पीस एपिसोड 85। आज मैं पहली बार कह रहा हूँ, तुम लोग इस एपिसोड को पूरा देखना, क्योंकि सही में इस एपिसोड में कुछ तो बात है। तो हम देखते हैं चॉपर को, वो अपना रिसर्च कर रहा था। वहाँ पे अचानक से लूफी आता है और उसको देख के चॉपर पूरा डर जाता है। वो कैसे कैसे करके सामान को पकड़ता है ताकि वो गिरे ना। लूफी चॉपर से कह रहा था, ओए तुम तो बहुत कमाल के हो, जैसे कि मुझे एक मॉन्स्टर से उम्मीद थी, लेकिन तुम अब क्या करोगे। और वो चॉपर को जाके गुदगुदी करने लगता है। चॉपर कैसे कैसे करके अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन लूफी उसको परेशान किए जा रहा था। लूफी को इस चीज को देख के बहुत मजा आ रहा था और उसे चॉपर बहुत फनी लगता है। चॉपर लूफी से कहता है, मेरे मजाक उड़ाना बंद करो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन लूफी उसे पूछता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, मुझे तुम बहुत पसंद आए। पहली बार किसी ने चॉपर से ये सवाल पूछा था, तुम हमारे साथ पायलट बनो, बहुत मजा आएगा। चॉपर कह रहा था, बिल्कुल नहीं, मुझे पायलट पसंद नहीं है और मैं किसी का दोस्त नहीं बनना चाहता। लेकिन लूफी उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके पीछे पड़ जाता है। चॉपर भागते हुए सीढ़ियों से गिर जाता है और इस चीज को देख के लूफी को थोड़ी हंसी आती है, उसे चॉपर बहुत पसंद आ रहा था। दूसरी तरफ सांची नामी के लिए कुछ बना के लाया था ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके, लेकिन डॉक्टर को रिया वहाँ पे आती है और उसे पसंद नहीं आता कि सांची ने उससे बिना पूछे उसका किचन यूज किया और वो सांची को एक जोरदार पंच मारती है। वहाँ पे लूफी और चॉपर आ जाते हैं। चॉपर बेचारा लूफी से बहुत परेशान हो चुका था और वो डॉक्टर कुरेया के पीछे छिप रहा था। नामी लूफी से पूछती है, ओ लूफी तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। लूफी कहता है, ओ नामी इसने अभी कहा कि ये हमारे साथ पायलट बनेगा। चॉपर कह रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लूफी चॉपर को पकड़ने लगता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर कुरेया बोल रही थी, दोस्त उस बच्चे को पता भी नहीं होगा कि चॉपर के लिए दोस्त जैसे शब्द की अहमियत क्या है। आखिर इस शब्द से चॉपर की क्या यादें जुड़ी हुई है। नामी और सांजी डॉक्टर कुरेया को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो चॉपर की कहानी जानना चाहते हैं। डॉक्टर कुरेहा चॉपर की कहानी बताना स्टार्ट करती है। चॉपर अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक आदमी को अपना मानता था, जिसने चॉपर को अपने बेटे की तरह प्यार किया और उसी ने चॉपर को उसका नाम दिया था और उनका नाम था डॉक्टर हिरुलुक। हम देखते कुछ साल पहले कुछ लोग डॉक्टर हिरुलुक को ढूंढ रहे थे और जब वो लोग वहाँ से जाते हैं हम देखते एक आदमी छिप रहा था। उसी टाइम एक घर में एक आदमी बहुत बीमार था। उस टाइम पे वपूल ने सभी डॉक्टरों को मार दिया था और सिर्फ वो 20 काबिल डॉक्टर उसके लिए काम करते थे। उस आदमी की पत्नी वपूल के पास जाने का डिसाइड करती है ताकि वो अपने पति को बचा पाए, लेकिन पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ इसकी कोई जरूरत नहीं। हम देखते चिमनी से एक आदमी आया था, वो कह रहा था, चिंता नहीं करो मैं इनको ठीक कर दूंगा। तो हाँ यही अपने डॉक्टर हिरुलुक। डॉक्टर हिरुलुक को देख के वो आदमी बहुत डर रहा था और वो हिरुलुक को उसके इलाज करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन हिरुलुक उसकी एक नहीं सुनता और वो उसके इलाज करने के लिए तैयार था। उस आदमी की पत्नी बाहर जाती है ताकि वो किसी से मदद मांग सके। डॉक्टर हिरुलुक अपनी पेटी से एक बंदूक निकालता है और साथ ही साथ एक इंजेक्शन भी। हिरुलुक उस आदमी इंजेक्शन लगा देता है। हिरुलुक को लग रहा था कि उसने एक आदमी की जान बचा ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उस आदमी की हालत और खराब हो जाती है। वो आदमी खिड़की से बाहर निकल जाता है और वो एक मेंढक की तरह कूदने लगता है। डॉक्टर हिरुलुक सोच रहा था, अरे मैं तो सोच रहा था मेंढक की चमड़ी काम करेगी, लगता है मैं छिपकली के बाल डालना भूल गया। हम देखते उस आदमी की पत्नी बाकी सारे लोगों को बुला के ला चुकी थी। डॉक्टर हिरुलुक समझ चुका था कि अगर वो यहाँ पे थोड़ी देर और रुका तो वो बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है, तो वो खिड़की से कूद के वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर हिरुलुक भागता भागता एक ब्रिज के पास जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे कोई बैठा हुआ था और हाँ वो कोई और नहीं अपनी क्यूटी को रेहा है। तो समझो इस टाइम तक वपूल ने सभी डॉक्टरों को मार दिया था, बस दो ही लोग बचे हुए थे। हाँ सही समझा, डॉक्टर कुरेहा और डॉक्टर हिरुलुक। डॉक्टर कुरेहा कह रही थी कि इस आइलैंड का कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर कुरेहा हिरुलुक से कह रही थी, हिरुलुक तुम वपूल से डरो नहीं, उन लोगों को तुमसे कुछ मतलब नहीं है क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे वाहियात डॉक्टर हो, तुम्हारे होने से या ना होने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिरुलुक वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो डॉक्टर कुरेहा से कहता है, कुरेहा तुमने सही कहा, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा लेकिन मैं इस पूरे शहर को बचा के रहूंगा। डॉक्टर कुरेहा कहती है, क्या तुम्हारा मतलब है बर्बाद करके रहोगे। हम देखते हैं वहाँ पे वपूल के सैनिक आ चुके थे, तो फिर उस ब्रिज से डॉक्टर कुरेहा और हिरुलुक चले जाते हैं। हिरुलुक अपने घर की तरफ जा रहा था तभी वो देखते है सामने कोई पड़ा हुआ है और जब हिरुलुक उसके पास जाता है हमें पता चलता है कि वो चॉपर है। डॉक्टर हिरुलुक कह रहा था, तुमको गोली लगी है क्या, मुझे तुम्हारा इलाज जल्दी करना होगा। चॉपर उसे गुस्से की निगाहों से देख रहा था, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। चॉपर को याद था अभी थोड़ी देर पहले कुछ इंसानों ने उसे गोली मारी थी और जब डॉक्टर हिरुलुक अपने बैग से वो बंदूक निकालता है चॉपर को लग रहा था हिरुलुक भी उनका साथी है और वो लोग चॉपर को दोबारा मारने वाले हैं। तब चॉपर उठ खड़ा होता है और डॉक्टर हिरुलुक को मारने लगता है। चॉपर बहुत गुस्से में था,
वो चिल्ला रहा था और वहाँ से अब जाने वाला था। डॉक्टर हीरो लोग जो कि पीछे पड़े हुए थे वो खड़े होते हैं और वो चौपड़ से कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? ओए रुक जा, मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा, मेरा यकीन कर, मेरा नाम है डॉक्टर हिरलुक और मैं एक डॉक्टर हूँ, तुझे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। चॉपर डॉक्टर हिरलुक की बातें सुन रहा था लेकिन वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और जब वो अपने होश में आता है वो देखते कि वो एक कमरे के अंदर है और वो साइड में देखते है हिरलुक वहीं पे बैठे हैं और वो वहीं पे सो रहे हैं। चॉपर अपने सर को छूता है और उसे पता चलता है कि उसके सर पे पट्टियां लगी हुई हैं। चॉपर ने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया था और उसे भूख लग रही थी। वो साइड में देखता है, वहाँ पे ब्रेड और दूध पड़ा हुआ था। वो अपने बेड से उतर के उस ब्रेड के पास जाने लगता है और जब उसने उस ब्रेड का एक पीस खाया तब उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और ऐसे ही चॉपर पहली बार हिरलुक से मिला। इस चीज को हुए 3 दिन हो चुके थे और 3 दिन बाद पहली बार चॉपर ने डॉक्टर हिरलुक के सामने कुछ बोला। डॉक्टर हिरलुक उसे पूछ रहे थे, अगर तू बोल सकता है तो तूने पहले कुछ बोला क्यों नहीं? चॉपर कहता है, मुझे लगा आपको ये बात पसंद नहीं आएगी और आप मुझसे नफरत करने लगोगे। उस दिन भी मैं इंसानों के सामने बोला था मैं उनसे दोस्ती करना चाहता था लेकिन उन लोगों ने मुझ पर गोली चला दी क्योंकि एक रेंडियर बोलता नहीं है। डॉक्टर हिरलुक कहते हैं, तो बोल सकता है, इसमें क्या अजीब है, बोल तो मैं भी सकता हूँ और तुमसे कई गुना बेहतर ही। तभी डॉक्टर हिरलुक के पीछे से धुआं निकलने लगता है और वो चॉपर से कहते हैं, चॉपर भाग यहाँ से। डॉक्टर हिरलुक के घर में धमाका होता है और चॉपर और हिरलुक बर्फ पे गिर जाते हैं। डॉक्टर हिरलुक उठ के पूछता है, ओए चॉपर ठीक है ना तू? चॉपर उठ रहा था लेकिन तभी उसके सर पे एक पत्थर गिरता है जिसकी वजह से वो दोबारा लेट जाता है। डॉक्टर हिरलुक इस चीज को देख के हंस रहा था लेकिन उसके साथ भी सेम होता है। चॉपर हिरलुक से पूछता है कि आखिर उन्होंने उसे चॉपर क्यों बुलाया तो डॉक्टर हिरलुक कहता है, तेरा अब से नाम है टॉनी टॉनी चॉपर और मैं भी तुझे इसी नाम से बुलाया करूंगा। वैसे भी तेरे सर पे जो एंटीना लगे हैं उनकी मदद से तू किसी भी पेड़ को चॉप कर सकता है। कितना बढ़िया नाम है ना, तुझे ये नाम कैसा लगा? चॉपर थोड़ी देर शांत था लेकिन फिर वो हंसने लगता है, उसको ये नाम अच्छा लगता है। हिरलुक जब भी अपने पेशेंट को देखने जाता वो अपने साथ चॉपर को भी ले जाता। हिरलुक को लगता है सबको उसकी जरूरत है लेकिन सच्चाई तो ये थी किसी को भी हिरलुक पसंद नहीं था। वो अपने पेशेंट को ठीक करने के बजाय उसे और बीमार कर देता था और इसीलिए उसे हर घर से भगा दिया जाता। चॉपर और हिरलुक अब साथ में भागा करते थे। एक बार हिरलुक अपने आप को बचाने के लिए चॉपर का सेक्रीफाइस कर देता है जिसकी वजह से चॉपर बहुत गुस्सा होता है और वो घर जाके उससे लड़ने लगता है लेकिन फिर भी चॉपर खुश था क्योंकि अब वो अपने आप को और अकेला नहीं समझता। डॉक्टर हिरलुक चॉपर को एक टोपी देते हैं। चॉपर उस टोपी को पहनता है और वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान ने उसे अपनाया था। डॉक्टर हिरलुक कह रहे थे, चॉपर हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है लेकिन अपने अंदर इंसानों के लिए नफरत मत पैदा होने देना। अभी ये पूरा देश बीमार है, यहाँ तक कि राजा भी। लोग ऐसा अक्सर कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज नहीं होता और इस देश का कुछ नहीं हो सकता लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। एक बार बस मेरा ये इन्वेंशन बन जाए फिर ये पूरा देश बच सकता है। एक बार की बात है, इस देश में एक मासा थीफ रहता था, उसको एक जानलेवा बीमारी थी। वो दुनिया के हर डॉक्टर के पास गया लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया और जब उसे लगा कि वो मरने वाला है वो यहाँ की एक पहाड़ी पे गया। वो अपने आप को लाचार समझ रहा था लेकिन वहाँ पे वो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार एक ऐसी चीज देखता है। वो देखता है वहाँ पे पतझड़ का मौसम था और बहुत सारे चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगे हुए थे। पूरा पहाड़ उन पत्तियों से भरा हुआ था और जब अगले दिन वो एक नए डॉक्टर के पास जाता है वो डॉक्टर उस आदमी से कहता है, तुम पूरी तरीके से ठीक हो। तो चॉपर देख रहे हो ना कि ये एक करिश्मे से कम नहीं है, कभी कभार इंसान खुद से ही ठीक हो जाता है। जैसा कि उस मास्टर थीफ ने इस बर्फ वाले आइलैंड पे चेरी ब्लॉसम को देखा था जो कि विश्वास करने वाली बात है ही नहीं, उसने उसे जीने का एक नया हौसला दिया। और ऐसे ही चाहे लोग कुछ भी कहे लेकिन मैं इस देश को बचा के रहूंगा और मैंने सारी बीमारियों के खिलाफ ये खोपड़ी लटकाई है जिसका मतलब है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जैसे एक पाइलट लड़ाई करता है वैसे ही मैं बीमारियों से लड़ता रहूंगा। बैक इन प्रेजेंट चॉपर के सामने लूफी आ चुका था लेकिन लूफी का सारा ध्यान खाने के ऊपर चला जाता है। चॉपर को याद आता है कि उसने एक बार हिरलुक से पूछा था, आखिर पाइलट होती कौन है? डॉक्टर हिरलुक बता रहे थे,
पायरेट्स बहुत बड़े और शानदार होते हैं। उनको लड़ने के हर एक पैतरे आते हैं। उनकी नजरें बिल्कुल बाज की तरह होती है और जब वो कुछ बोलते हैं ऐसा लगता है कि बिजली गिरी हो। लेकिन चॉपर देख रहा था लूफी पायरेट की तरह बिल्कुल नहीं था, तो वो लूफी से पूछता है, क्या तुम सही में एक पायरेट हो? लूफी कहता है, हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो। हम लोग साथ में गाना गाया करेंगे और नाचा भी करेंगे और लोग साथ में बहुत मजेदार सफर भी करेंगे। चॉपर को दोबारा हीरो लुक याद आता है। हीरो लुक ने चॉपर से कहा था कि एक टाइम के बाद वो समुद्र में जाए ताकि उसे पता चल सके कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और ये आइलैंड दुनिया के मुकाबले इतना सा भी नहीं है। हीरो लुक चॉपर को बार बार पायरेट्स के बारे में बता रहा था और वो साथ में हंस रहे थे। लेकिन हर कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। और ऐसे ही हीरो लुक और चॉपर की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है। चॉपर बहुत खुश था क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। वो डॉक्टर को थैंक यू बोल रहा था लेकिन डॉक्टर उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। ओए चॉपर, अब तुम्हारा इलाज पूरा हो चुका है और मैं अब तेरा ध्यान नहीं रखने वाला, तू यहाँ से चला जा। चॉपर के पैरों से जमीन हिल चुकी थी। वो रोने लगता है और वो रोते रोते कह रहा था, डॉक्टर मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा, मुझे आपसे दूर नहीं होना, आप जो कहोगे वो मैं करूँगा, बस मुझे अंदर आने दो, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा कोई घर भी नहीं है। डॉक्टर हीरो लुक अपने दिल पे पत्थर रख के ये सब कर रहा था। उसे चॉपर के साथ बिताए हर वो लम्हे याद आ रहे थे। तभी बाहर से बहुत तेज आवाज आती है जिसको देखने के लिए हीरो लुक बाहर जाता है। हीरो लुक देखता है चॉपर वहाँ से गिर चुका है और उसके सर पे चोट लगी हुई है। लेकिन फिर भी चॉपर खुश था क्योंकि इसी बहाने उसे डॉक्टर हीरो लुक के साथ और रहने को मिल जाएगा। लेकिन जैसा वो सोचता है वैसा होता नहीं है। डॉक्टर हीरो लुक अपनी बंदूक से चॉपर के ऊपर गोली चला देता है और वो गोली चॉपर के गालों से छू के निकलती है। हीरो लुक चॉपर के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से चॉपर को वहाँ से भागना पड़ता है। चॉपर वहाँ से रोता रोता भाग जाता है। चॉपर के जाने के बाद हीरो लुक उस बंदूक को दूर फेंक देता है। हीरो लुक इस चीज से खुश नहीं था, वो भी बहुत रुक रहा था। सिर्फ वही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही थी और वो चॉपर से माफी मांग रहा था। एक बार हीरो लुक डॉक्टर कुरिया के पास जाता है। हम देखते उसके हाथ पे खून था। वो डॉक्टर कुरिया से जानना चाहता था कि आखिर उसके पास कितने दिन बचे हुए हैं। डॉक्टर कुरिया उसे ये बात बताने से साफ मना कर देती है। हीरो लुक डॉक्टर कुरिया का धमकी दे रहा था लेकिन डॉक्टर कुरिया उसे आराम से निपटा देती है। डॉक्टर कुरिया उसे गुस्से में बता रही थी कि उसके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, 10 दिन बाद शाम 5 बजे वो मर जाएगा। लेकिन हीरो लुक के चेहरे पे कोई भी दुख का निशान नहीं था, उल्टा वो खुश था क्योंकि उसके पास 2 दिन है, 2 दिनों में वो अपना इन्वेंशन पूरा कर लेगा। डॉक्टर कुरिया उसका मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी इस बर्फ वाले देश में चेरी ब्लॉसम कभी उग नहीं सकता और जो उसे यानी मास्टर थीफ को कुछ साल पहले दिखा था वो सिर्फ एक चमत्कार था। और वैसे भी डॉक्टर कुरिया का उसकी बात पे विश्वास नहीं था। और हाँ, जिस मास्टर थीफ की कहानी हीरो लुक चॉपर को सुना रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि हीरो लुक ही था। डॉक्टर कुरिया को हीरो लुक पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। डॉक्टर हीरो लुक वहाँ से जाने लगता है और वो सोच रहा था जब उसका इन्वेंशन पूरा हो जाएगा तब वो प्रूफ कर देगा कि वो पागल नहीं था और वो अपने इन्वेंशन से इस पूरे देश को ठीक कर देगा। लेकिन चॉपर और हीरो लुक की कहानी का इतना बढ़िया एंड नहीं होता और इसीलिए आज चॉपर अकेला है और यहीं पर अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात, अगले एपिसोड को भी पूरा देखना क्योंकि उसमें पता लगेगा कि आखिर चॉपर और हीरो लुक का क्या हुआ। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Hey!